वेलकम टू माई चैनल दिस ब्यूटी हैक्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल के वीडियोज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दैन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अमेजॉन हॉल अमेजॉन पर अभी सेल चल रही है तो आप भी कोई भी मेकअप स्किन केयर या फिर कोई भी आइटम डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं सबसे पहले मेरे पास है ये मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन टू ट्वेंटी शेट और इसके बाद मैंने लिया है तीन टाइप की क्रीम है मेरे पास फर्स्ट है ममार्थ उपटन कोल्ड क्रीम तो इसमें तीन टाइप की थी एक कोको क्रीम थी एक वाइट बॉक्स में कुछ थी और एक ये तो मैंने ये उपटन वाली लिया है कोल्ड क्रीम है अगर आपकी स्किन ड्राई ड्राई रहती है तो भी आपके लिए अच्छी रहेगी और ममा अर्थ के बाद यह काफ़ी थिक है पर आपको इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा और आपको ड्राईनेस से भी बचाएगा इसके बाद मैंने एक बायोटिक का क्रीम लिया है सिंपल सा बायोटिक का प्राइस वन फिफ्टी के अंदर था और ये जो ममा अर्थ का है इसका थ्री हंड्रेड के आसपास था थ्री हंड्रेड के अंदर था या इसी के आसपास कुछ था इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हैं अगर प्राइस देखना हो तो वो चेक कर सकते हैं साथ ही में माई हाउस स्टोर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ में जो भी आइटम ले रही हूँ सब आपको एक साथ दिख जाएगी तो आपको लेने में आसानी होगी तो ये वाली है बायोटिक का क्रीम ये भी अच्छा है पर ये हल्का सा ऑयलीनेस देता है तो अगर आपको काफ़ी ड्राई लग रहा है तो आप ये वाला क्रीम ट्राई कर सकते हैं पर मुझे ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि हल्का सा ऑयलीनेस लगता है इसको लगाने के बाद इसके बाद मैंने एक एंटी एजिंग क्रीम लिया है ओले का ओले वाले का प्राइस है थ्री फिफ्टी और अभी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको और ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आइटम मिल जाएंगे तो ये वाला है ओले का इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ये इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है ये विंटर क्रीम नहीं है तो अगर आपकी एज थर्टी प्लस है तो आप ये वाली क्रीम ट्राई कर सकते हैं इसके बाद मैंने लिया है एक बॉडी वाश मैंने वो भी ममार्थ का ही लिया है वाइटमिन सी का इसमें भी तरह तरह के आते हैं आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं मैंने ये वाइटमिन सी वाला लिया है इसकी प्राइस भी थ्री हंड्रेड के आसपास थी मुझे अच्छे से याद नहीं है नेक्स्ट मैंने लिया है ये लॉरियल का हेयर सीरम इसको आप हेयर वॉश के बाद अपने बाल लो पे लगा सकते हैं इससे हल्की सी शाइनी ऐड होती है रफनेस दूर होती है और आपके बाल थोड़े सॉफ्ट दिखते हैं इसके बाद मैंने लिया है लॉरियल दो लिक्विड लिपस्टिक तो एक शेड है वन टू नाइन एक है वन थ्री जीरो तो दोनों ही शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में